नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर जिले में ऊर्जा महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय वर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा महोत्सव के अवसर पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन धारक 25 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजीव रंजन ने कहा, इस कार्यक्रम का मकसद केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे बिजली के आवश्यक कार्यों को लोगों तक पहुँचाना है। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा कर इसमें गति प्रदान करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की 100% प्राप्ति भी हुई है। इसका मोटिव ये है कि अभी जो हम लोग बिजली को लेकर जो काम किए हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना और साथ में जो इसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में जानकारी देना, ये कैसे ऊर्जा संरक्षण का जरूरी है, किस तरह से जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को है उस पर निर्भरता अपनी कम करनी है और साथ में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है उसको बढ़ाना है। तो इस दिशा में तमाम जो व्याख्यान हुए जो उनके जो डिपार्टमेंट से लोग हैं उन्होंने बताया लोगों को कि कैसे नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, रूफटॉप सोलर जो पावर का ये है उसके बारे में लोगों को बताया गया कि लोग इससे जुड़े और तमाम जो हमारी योजनाएं हैं जिसको जो समाधान योजना के तहत ये सब जो है ये सब के बारे में बताया गया। सिद्धार्थनगर में कितना प्रभावशाली होगा? निश्चित तौर पर ये प्रभावशाली होगा क्योंकि ये सबसे बड़े उपभोक्ता तो आप लोग हैं, आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों में जो सुधार हुआ है ये आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। कुछ कमियां जो हैं निश्चित तौर पे है, उस कमियों को भी हम लोग उसको। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध, कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध, 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध, कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456210। आज फिरोजाबाद में स्थित थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी निवासी महिलाओं पुरुषों ने पानी बिजली की समस्या को लेकर साथ में लाए डब्बा बाल्टी के साथ रोड पर प्रदर्शन किया एवं नगर निगम महापौर राठौर मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। महिलाओं व पुरुषों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हमारे गली मोहल्ले में 5-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ बिजली की भी समस्या है जिसके चलते अब लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। नगर निगम की ये घोर लापरवाही है। नगर निगम के द्वारा जो डाली गई पाइपलाइन वो बेहद ही लो क्वालिटी की है जो 2-4 दिन चलने के बाद भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी जानकारी हम लोगों के द्वारा नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों को दी जाती है तो वो लोग हमारी समस्या को सुलझाने के बजाय टाल मटोल करते रहते हैं और हमारी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम नूतन राठौर के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तो किसके द्वारा होगा। मोहल्ले वाले लोगों का पानी बिजली की समस्या का समाधान अगर समाधान नहीं होता है तो हम सभी करेंगे भूख हड़ताल। क्या दिक्कत है जो आप यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं? बाल्टी आज 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, सड़ी हुई पाइपलाइन डली हुई है, ये 8-10 दिन पाइपलाइन चलती है कुल मिलाकर टोटल, उसके बाद में ये पाइपलाइन फूट जाती है, यही पानी की प्रॉब्लम सबसे कर रही है और गलियों में पानी भर जाता है, बच्चे निकलने के लिए परेशान, बुजुर्ग भी नहीं निकल पाते, अब जवान आदमी हो तो वो निकल जाए, बच्चे कहाँ से निकल जाए बताओ, स्कूल जाने के लिए बैठते। योगी सरकार का कहना है कि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और वहीं देखा जाए तो शिलान्यास भी किया था, अभी
स्मार्ट सिटी कहाँ से बन रही है बताइए आप मुझे, जो घोटू घोटू खींचे आप वहाँ जाके वीडियो बना के देखिए आप, चलिए आप देखे आप आगे हमारे आगे जो मेजर साहब है और ये साहब जो नूतन राठौर जी हैं, ये हमारी गलियाँ देखिए आप और देख के गई है कि कैसी पास गलियाँ हुई हैं हमारे यहाँ की, ये बताइए मतलब अभी तक आपकी गलियों में कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं है, आप स्वयं चल के देख सकते हैं आप, रोज नालियों के पीछे झगड़ा होता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का एक अच्छा संदेश दिया। पुष्पों की वर्षा मुस्लिम समाज के द्वारा होते देख कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस कार्यक्रम को देखकर खुशी भी जाहिर की। श्रावण मास के तृतीय सोमवार को मुस्लिम पसमांदा समाज ने प्रातः 9 बजे से कस्बा बहेड़ी नैनीताल रोड अकबर शहीद मजार के सामने से गुजरने वाले कांवड़ियों पर पुष्प डालकर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रावण माह में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश दिया है। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के वाराअटरू में कुक कम हेल्पर कार्मियों ने नियमितीकरण करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष सुगना बाई गुर्जर ने बताया कि पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत राजस्थान के समस्त विद्यालयों में अति अल्पतम मानदेय पर मात्र 1444 रुपए में हजारों कर्मिक अपने परिवार का भरण पोषण कर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में ये राशि श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी व दैनिक मजदूरी राशि से बहुत कम है। ज्ञापन में कुक कम हेल्पर मजदूर संघ ने नियमितीकरण करने, 10,000 रुपया मासिक भुगतान करने, दुर्घटना बीमा भविष्य में भी अंशदान लागू करने एवं कर्मचारी वर्दी देने व ग्रीष्मावकाश का भुगतान करने की मांग ज्ञापन में की गई। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214।
0। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित देवा मेमोरियल आर्थोपेडिक व आई हॉस्पिटल के द्वारा कोहिनूर पैलेस होटल में आर्थोपेडिक क्लब द्वारा घुटने के जोड़ की दूरबीन द्वारा सर्जरी कर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में अयोध्या के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर अतुल वर्मा ने चेयरमैन डॉक्टर एस एम द्विवेदी ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तथा डॉक्टर जी के पांडे ने साइंटिफिक सेक्रेटरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में KGMU लखनऊ के प्रवक्ता प्रोफ अभिषेक अग्रवाल तथा लखनऊ के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर हरीश मक्कड़ मुख्य अतिथि एवं वक्ता रहे। आए हुए अतिथि वक्ता डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर हरीश का पुष्प गुच्छ देकर सभा में स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। कि घुटने की जो सर्जरी होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो घुटने को खोल के करा जाए और दूसरा होता है दूरबीन द्वारा करा जाए। दूरबीन द्वारा करने में पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है और इस टेक्निक को अब ज़्यादा उच्च माना जाता है पूरे संसार में। तो उसी टेक्निक से करने के लिए एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग ने यहाँ रखा है, जिसमें ये सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में करी गई देवा अस्पताल के। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। सिद्धार्थनगर जिले के राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा द्वारा संग्रहालय सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं संग्रहालय की शिक्षा प्रसार सेवा के अंतर्गत कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ऑनलाइन छायाचित्र प्रदर्शनी, संग्रहालय भ्रमण एवं महात्मा बुद्ध से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद स्कूल बडरपुर सिद्धार्थनगर के कुल 50 छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता की। समस्त प्रतिभागियों ने अभिरुचि पूर्वक महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रतियोगिता के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आरंभ भगवान बुद्ध को पुष्पदीप अर्पण कर किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में मानव सेवा संस्थान के केंद्र प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन ही हमारे देश के सैनिकों ने कारगिल ग्लेशियर पर झंडा फहराया था। इस दिन हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त किया था। आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हमने 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखा है। इसका विषय जो है वो, क्योंकि ये पिपरावा जो स्थान है कपिल वस्तु के रूप में, हम प्राचीन काल से ही इसकी एक अलग पहचान है, सिद्धार्थ गौतम की ये एक तरह से जन्मस्थली रही है। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या स्थानीय जो विद्यार्थी हैं उनको सिद्धार्थ के जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, इसीलिए हमने इस विषय का चुनाव किया था और इसी पे आधारित हमने प्रश्न भी तैयार किए थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में लगभग 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में जो विजेता प्रतिभागी थे उनका चुनाव किया और उनको पुरस्कृत भी किया। साथ ही साथ हमने जिन बच्चों ने सराहनीय प्रदर्शन किए उनको सांत्वना में पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी कैंटर पर चोरों ने किया हाथ साफ। कैंटर का चालक कैंटर खड़ी करके गया हुआ था घर। कैंटर चोरी होने की पुलिस को दी सूचना। कैंटर चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जीपीएस लगे होने के बावजूद अभी तक नहीं लग सका चोरी हुए कैंटर का पता। सिकंदराबाद गुलावटी स्थित बॉम्बे मार्केट के पास की है घटना। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412827579456210